तो इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो है सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल को एक तो आपने डिग्री में लगाना है, देखो बिल्कुल सही लगा हुआ है डिग्री में। तो इसको आपने कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना। ज़मीन पे रखने से क्या होता है कि इस पे जो है डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। इसको डिग्री में रखने से ये फ़ायदा होता है कि इस पे डस्ट अच्छी तरह जमती नहीं है और नीचे गिर जाती है, बारिश के समय नीचे धुल जाती है। अब देखो इसको बीच बीच में साफ भी करते रहना चाहिए। अब देखो जो सामने सोलर पैनल आपके सामने दिखाई दे रहा है लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है कि अभी मिट्टी की परत जमी हुई है। तो इससे क्या होता है कि इसके जो बिजली बनती है वो कम बनती है, 8 एम्पेयर की बन जाती है। अगर इसको साफ़ कर देंगे तो 10.4 एम्पेयर की ये बिजली बन जाएगी। इसको हमने क्या करना है कि बीच में अगर देखते रहना है कि अगर इसको वॉश कर देना है, पानी से साफ कर धो देना है, इससे चमक जाएगा और जो बिजली ज़्यादा बनने लग जाएगी और आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी, जिससे कि ये बेनिफिट होगा कि आपका जो है बैटरी बैकअप आपको बहुत ज़्यादा देगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको साफ़ ना करें तो क्या होता है कि पंछी की गंदगी इस पे लग जाती है। ये देखो बीच में पंछी की गंदगी भी इस पे लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ऐसी बहुत सारी इस पे गंदगी जो है लग जाती है, तो हमें इसको साफ़ करते रहना चाहिए। साफ़ करने से क्या होता है कि बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बैटरी एम्पेयर ज़्यादा देती है। हमें चार्जिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, अच्छी तरह चार्ज हो जाती है। और इससे क्या होता है कि बैटरी का बैकअप भी बढ़ता है और बैटरी भी आपकी ज़्यादा टाइम तक चलती है। अगर बार बार कट लगते रहेंगे, बैटरी बार बार चार्ज करती रहेगी, बार बार कम चार्ज करेगी, आप लाइट जाने पर जला लिया करोगे, तो इससे क्या नुकसान होगा कि ये जो है आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी और आपको बैटरी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है कि आराम से इसको अच्छी तरह लगाएं डिग्री के हिसाब से। ये देखो बिल्कुल सही तरीके से लगे हुए हैं डिग्री के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, इसको टाइम टू टाइम देखते रहना है। महीने में एक आध बार आप आके यहाँ पे देख जाओ, ऊपर छत पे जाके देख जाओ कि इसको साफ़ है, गंदगी तो लगी हुई, मिट्टी लगी हुई है। तो इसको पानी से, स्प्रे से अच्छे से पानी चला के आप टूटी पे पानी लगा सकते हो। टूटी के पानी से इसको पाइप लगा करके अच्छी तरह धो दो। आपके घर पोचा होता है, वाइपर वाला पोचा, कपड़े वाला जो है, उससे आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हो। चमक जाएगा ये पैनल, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपका सोलर पैनल साफ़ होगा तो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छी देगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में आते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।